सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास आ जाए करते हैं आज की शुरुआत। आज चिंतन की बात करेंगे। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने पहले दिल्ली के ऋषभ विहार चतुर्मास में खूब उद्घोष किया तीर्थों के बारे में, और जब चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंच गई उनके पास सांगानेर, तो उन्होंने उस क्रिया को आगे जारी रखा, एक बार फिर जगा दिया समाज को अपनी अपनी कहते हैं सही सही दवा के साथ। उन्होंने स्पष्ट कह दिया आज वक्त समय था हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी का जन्म और तप कल्याण का, और सांगानेर 7 तीर्थों के आदिनाथ जी, जहां पर 7 मंदिरों के अंदर से 4 मूलनायक आदिनाथ ही हैं। बस ऐसी जगह पर उसी धरा पर उन्हीं के सामने समक्ष उन्होंने स्पष्ट कह दिया आज मीडिया जैन समाज के बारे में कुछ सुनता नहीं है। मीडिया को छोड़ो, आज तो हमारे संत दिगंबर होते हैं, आज हमारे श्रोत जो श्रावक हैं वो उनसे ज्यादा दिगंबर होते हैं। सोच लीजिए आप, मतलब आज ऐसे खोरे हो गए हम अपने बारे में कुछ बचा नहीं सकते हैं। सुनिए जरा, पहले उन्हीं के साथ करते हैं आज की ये पहली शुरुआत। लेकिन जब तक तीर्थंकरों की जन्म जयंती और मोक्ष कल्याणक समाज में विख्यात ना हो, समाज में उनके सिद्धांत मशहूर ना हो, तब तक हमारा प्राइवेट में सब कर लेना कोई मायने नहीं रखता। दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। हम ऐसा क्यों बोले, अखबार रंग जाते किसी और की जयंतियां होती तो, मीडिया पर वही वही छाया रहता। लेकिन हम लोग दिगंबर लोग हैं, हमारी महाराज दिगंबर, उनसे ज्यादा श्रावक दिगंबर। जुनून के साथ काम करो। अगर कहीं नुकसान होता है, कहीं चोट होती है, तो खड़े होना सीखो। ऋषभ देव भगवान ने पहला उपदेश दिया, जब राजा थे तो 6 उपदेश में से 6 कर्म में सबसे पहले कौन सा कर्म बताया था? बोलो बोलो। असी पंडित जी बता रहे, जिनको कलम उठाना है केवल मसीह का काम जिनका है वो असी बोल रहे। सबसे पहले कहा था असी, मतलब है धर्म और समाज की संरक्षा के लिए, उसूलों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ती है तो आपस में नहीं, विधर्मियों के सामने डटकी खड़ी होना चाहिए, चाहे गिरनार जी हो चाहे खंडगिरी उदयगिरी तीर्थ। महालक्ष्मी ने बताया कि इस तरह से पहले हमारे देश में मुंबई के अंदर टोड़ीवाला नीलामी कर रहे थे जैन तीर्थ प्रतिमाओं की 17 की, और अब वह तो रुक गया, वह मान गए, पर अब फ्रांस यानी यूरोप के अंदर, पेरिस के अंदर, राजधानी के अंदर भी ऐसा हो रहा है। वैसे आपको बता दें चैनल महालक्ष्मी की शिकायत उनके राष्ट्रपति महोदय को की है, ये आप उसका कतरन देख रहे हैं जो वहां की एक्नोलेजमेंट आई है। कह रहे हैं 72 घंटे में इसके बारे में कोई उचित क्रिया ली जाएगी, अभी तक किसी और ने बाहर इस तरह की कोशिशें नहीं की है। पर हाँ, हमने साफ कहा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक तरफ नीलामियां हो रही हैं तुम्हारे तीर्थंकर मूर्तियों की, भगवानों की, जिन्हें पूजते हो, और दूसरे मालखाने में बंद करके उन्हें कैद करते हैं। सुनिए क्या कहा आचार्य श्री सुनील सागर जी। तीर्थंकर प्रतिमाओं की नीलामी हो कैसे सकती है? आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी पुरानी पुरानी जो मूर्तियां होती है ना, आपको लगता है कि घिस गई है, इनकी नाक टेढ़ी है, इनका कान टेढ़ा है, पुरानी है, लेकिन जब यही पुरानी प्रतिमाएं तस्करों के हाथ में लगती हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों करोड़ों में नीलाम हो जाती है। इसलिए अमूल्य वैभव आपके पास है। अब गजब लोग हैं, कहीं मूर्तियां निकलती हैं और सरकार उठा के ले जाती है, ताले में बंद कर देती, आप अपनी मूर्तियां नहीं ले पाते। कई सारे थानों में अभी भी रखी है। विजय जी, दिल्ली में बात चली थी, कितना काम किया आप लोगों ने, मांगा क्या है, 150 आदमी इकट्ठे होके पहुंचो, मालूम करो। देखो भाई, अपने घर में आप प्रेम से रहें कि झगड़ के रहें, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब हमारे घर पर, हमारे धर्म पर कहीं से आक्रमण होता है, उठा पटक होते हैं, तो हमें एक मुट्ठी बंद होकर के मुकाबला करना चाहिए। वे मूर्तियां क्यों नहीं वापस आ रही हैं और नीलामी होती रहती और हम सोए रहते हैं, कैसे कहां से आई है मूर्ति तुम्हारे पास जिसकी नीलामी हो रही है? कोई संस्था हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना बड़ा मुखिया हो,
लेकिन कहीं हमें भनक लगता है कि जैन तीर्थंकरों की प्रतीकों की प्रधानमंत्री विदेश से जाकर के भी नटराज की शिवराज की मूर्तियां वापस ले आए, एक दो तीर्थंकर मूर्तियां भी वापस ले आए। हमारे देश में रहते हुए हमारी मूर्तियों की मंदिरों की हम सुरक्षा कर लें, ये जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहलाएगा। बहुत खरी खरी कह दी आचार्य श्री ने, आज जीने लाओ जिना लो की हम उपेक्षा कर रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे उनकी तरफ, हम चल अचल तीर्थों के प्रति असुरक्षित कर रहे हैं, आज वे असुरक्षित हो रहे हैं कारण हम हैं। महावीर स्वामी ने हमें अहिंसक बनने का उपदेश जो दिया था पर नपुंसक बनने का नहीं, जो आज समाज में हम लोग दिख रहे हैं। क्या कहा जी ने, सुनिए जरा। मंगलमय जिन धर्म हमें मिला है, 2420 तीर्थंकर भगवान मिले हैं और उन्होंने सत्य अहिंसा सदाचार का मार्ग बताया है, आत्म कल्याण का मार्ग उन्होंने बताया है, उदासीनता शांति का मार्ग उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि उपेक्षा करने लग जाओ, अपने धर्मात्मा साथियों की उपेक्षा करने लग जाओ, जिनालयों की उपेक्षा करने लग जाओ, ये नहीं कहा। महावीर भगवान ने कहा अहिंसक बनो, महावीर भगवान ने ये नहीं कहा कि नपुंसक बन के रहो, बुरा नहीं मानना, कभी जरूरत पड़ती है तो हमें सर उठा के बात करने की भी हिम्मत रखना चाहिए। चैनल महालक्ष्मी आचार्य श्री को बताया कि इस बार केवल 5 अभी तक उम्मीदवार है हमारे, 3 कांग्रेस, 1 बसपा से और 1 निर्दलीय से, बस और कोई नहीं है। आचार्य श्री ने इस बारे में भरी सभा में स्पष्ट कह दिया, आज सत्ता ने तुम्हें कितने टिकट दिए हैं, अरे टिकट के तुम्हारे से कौन उनके पास गया है, एक वक्त के अंदर एक आदमी तुम्हारे पास नहीं होता है जो तुम्हारी आवाज उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में या उनके मुख्य जो लोग हैं उनके तक दरवाजा खटखटा सके। आज चैन समाज इतना कमजोर हो गया है कि उसकी ताकतों में इतना वजूद नहीं कि कोई आके हिम्मत कर सके, और जब तक तुम आवाज नहीं दोगे तुम इसी तरह रहोगे। बहुत शर्मसार होते हैं जब सत्ता हमें टिकट नहीं देती है, स्थिति विकट होती है और लगता है जैसे हम अपने मरणासन में निकट होते जा रहे। सुनिए जरा आचार्य, मालूम है अभी चुनावों के चक्कर में कांग्रेस कोई ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतार पाई, ब्राह्मणों ने कितना उत्पात मचा दिया, हाथों हाथ सीटें बदलना पड़ी और सीपी जोशी को भीलवाड़ा से उतारना पड़ा, जैन कितने उतरे और नहीं उतरे एक भी, तो किसने उत्पात मचाया, किसने शोर किया, क्यों नहीं किया, कि हमें कहीं प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, हमारी बात कहने वाला आगे कोई नहीं होना चाहिए। ये जमाना लोकतंत्र का है, कोई ना कोई आपका व्यक्ति, कोई ना कोई आपकी बात कहने जैसा इंसान आगे होना चाहिए। जो उस धारा को नहीं समझता है, जो संस्कृति को नहीं समझता, वो बात कैसे रखेगा। हमारा आग्रह ये नहीं है कि हम ही हों लोकसभा विधानसभा में, हमारा आग्रह है कि जैन धर्म संस्कृति प्राचीनतम पुरातत्व को समझने वाला एक आध जबरदस्त महत्वपूर्ण इंसान वहां तक पहुंचना चाहिए जो उन सब बातों को सबके सामने रख सके। आचार्य श्री का उद्बोधन हो और तीर्थों के बारे में बात ना हो अपने, चाहे गिरनार हो, चाहे खंडगिरी उदयगिरी हो, चाहे चंपापुरी हो, चाहे कोई और दी, स्पष्ट कहते हैं आज तो हालत यह हुई है जहां जैन प्रतिमा मिले उन्हें घिस घिस घिसते रहो और अपनी प्रतिमाएं रखते रहो, वक्त आएगा सैलाब आएगा उनका हट जाएगा तुम्हारा बन जाएगा, आज इसे चेतन होना होगा, जागना होगा। सुनिए जरा आचार्य से खरी खरी। मालूम पड़ा कि वहां गिरनार में मूर्ति घिसी जा रही है, नई नई मूर्तियां रखी जा रही हैं, तो भी पुरातत्व के कान पर जू नहीं रंगती है, यहाँ हमारे मंदिर में एक मूर्ति रखने की बात आती तो पुरातत्व कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यहीं मंदिर को सुधारने की बात करें तो पुरातत्व कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई तो हम नहीं कर सकते तो तुम कर लो, पानी टपक रहा है इसको चूना तो बंद कराओ। ध्यान रखिए, जैनों ने देश समाज संस्कृति का हमेशा से संरक्षण किया, अभी हमारे लिए कुछ हाथ लिखित ग्रंथों की जीरोक्स दी। परसों हमने सबने राजस्थान दिवस भी मनाया, आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थानी भाषा में जैन कवियों ने जितना लिखा है दुनिया में उतना किसी ने नहीं लिखा है। गुजरात में तो एक कहावत है, सरस्वती का माय का
कहां पर है? सरस्वती का मायका? बोले जैन ग्रंथ भंडारों में, जैनों की यहां है। जितना जैनों ने लिखा हमेशा से देश समाज संस्कृति भाषाओं के संबंध में जितना उपक्रम उत्साह है आप लोगों ने रखा है उतना शायद दुनिया में किसी ने नहीं रखा। हम ये चाहते हैं कि पूरा देश तरक्की करे, हर वर्ग आगे बढ़े, लेकिन कहीं हम ही पीछे ना पिछड़ जाएं, इसकी भी तो थोड़ी समझ हो। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से स्पर्धा नहीं है, लेकिन इस प्राचीनतम संस्कृति का संरक्षण इस देश की बुनियाद की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी। नए तीर्थ बन रहे हैं आज, और वह भी एक दिन पुरातन हो जाएंगे। जो पुरातन है उनका संरक्षण करो, नयों का संवर्धन करो, स्पष्ट आचार्य श्री के शब्दों के अंदर है। वो कहते हैं पर ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे यहाँ श्री जी ज्यादा हो जाए और भक्त कम हो जाए। एक श्री साथ 100 भक्त होने चाहिए। आज समाज का भी संवर्धन संरक्षण करना होगा तुम्हें। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वह कम्युनिकेशन गैप की आती है। सुनिए जरा आचार्य श्री से इस बारे में क्या कहा समाज के लिए। कभी पुरखों ने नए मंदिर बनवाए थे वो आज पुरातन कहलाते हैं, और आज जो लोग नए मंदिर बनवाएंगे 100 साल बाद वो पुरातन कहलाएंगे। पुरानों का संरक्षण और नयों का संवर्धन दोनों बातें जरूरी हैं, लेकिन कहीं अति ना हो जाए। मालूम पड़ा कि पूजा करने वाला कोई नहीं है और श्री जी लाए जा रहे। पूजा करने का भी हुनर और जुनून समाज में आना चाहिए। एक मंदिर हो तो कम से कम 100 पुजारी तो हो, यानी मंदिरों के साथ साथ समाज के जीर्णोद्धार की बहुत बड़ी जरूरत है। समाज का जीर्णोद्धार होना चाहिए, और समाज का जीर्णोद्धार ऐसे होगा जैन धर्म पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। पाठशालाओं से होगा, विद्यालयों से होगा, छात्रावासों से होगा, और उन पिछड़ी बस्तियों में भी जाइए। हमारे यहाँ दिक्कत किसी बात की नहीं है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। छोरे बाहर भाग रहे हैं, छोरियां बदल रही हैं घर। आज इस बारे में छोरा छोरी में बहुत कुछ कहते हैं। चश्री कहते हैं सरकार ने जनता नियोजन कर रखा है ना, उसका ठेका क्या तुम चैन समाज ले रखा है? अरे ऐसे क्यों होते हो? अगर गृहस्थ बनते हो सही तरह गृहस्थी बनो, सुव्यवस्थित गृहस्थ बनो, कम से कम इतना तो रखो। ये ठेका किसी और को दे देना, पर ये ठेका नियोजन का तुम मत लेना। क्या कहा आचार्य जी ने जैन समाज के प्रति? जिन धर्म परसों बाल मुकुंद जी आए, आपके यहाँ विधायक भी हैं सरकार में, उन्होंने कहा जहां खुदाई होती है महावीर स्वामी की तीर्थंकरों की मूर्तियां निकलती हैं। इसका मतलब है कि जैन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, और महावीर स्वामी की मूर्तियां निकल के श्रावकों को संदेश देती हैं कि एकजुट होकर के जिन धर्म की प्रभावना करो, बच्चा एक ही अच्छा, ए लीक छोड़ो, और इतना बड़ी बात, इतना बड़ा परिवार बनाओ, इतना सुंदर व्यवस्थित परिवार बनाओ कि अगर बड़ा मुनि संघ आ जाए तो पड़गाहन के लिए भाड़े के आदमी ना बुलाना पड़े, आपका घर ही काफी। सुव्यवस्थित परिवार होना चाहिए। जनसंख्या नियोजन का ठेका जैनों ने ले रखा है क्या? आदिनाथ के कितने थे बोलो? शांतिनाथ के कितने थे? ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे करो या अनैतिक और अवैध जीवन जियो। कहने का मतलब है गृहस्थी में गए हो तो एक संपुष्ट गृहस्थी बनाओ, व्यवस्थित बड़ा परिवार, और नहीं तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, संतों की साधना का मार्ग है, तपस्या करो। यही नहीं, कोपरगांव में 1 और 2 अप्रैल को राष्ट्रीय विद्वत सम्मेलन हुआ आचार्य श्री विशुद्ध साहित्य संघ के सानिध्य में कोपरगांव के अंदर, और वहां पर कई बातें हुई जिनका इस वर्ष प्रथम आचार्य इस सदी में कहा जाता है आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण, जिनका पूरा देश इस समय पदारोहण आचार्य पद का शताब्दी समारोह बना रहा है। समडोली में कार्यक्रम होगा, आचार्य श्री अनेकानंद सागर जी सप्तम प्रयास सानिध्य में वहां पे उसके बारे में उनके बारे में शुरू किया उन्होंने बताते हुए कि किस तरीके से उन्होंने फोटो खिंचवाई तीर्थों के सामने, अपनी स्मारकों के सामने,
पर आज अगर तीर्थों की जैन तीर्थों की सुरक्षा हो रही है तो केवल संतगण हो रही है। यह बात कही उन्होंने वहां पर हमारे डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी ने, विद्युत परिषद के डेढ़ मिनट मेरा, उनका भी सुन लीजिए, सुनिए जरा। पूरे देश में वो दक्षिण से लेकर उत्तर भारत में भ्रमण किया, वे कहां कहां गए, वे संसद भवन के सामने गए, वे लाल किले के सामने गए, वे ताजमहल के सामने गए, वे जामा मस्जिद के सामने गए, ताकि एक नजीर बन जाए कि कल के दिन कोई ये नहीं कह सके कि दिगंबर मुनियों का निर्वाध विचरण नहीं होता। क्या स्थिति थी जब एक अंग्रेजों की सरकार उस समय थी, उनको बिहार करना बंद कर, उनके बिहार को रोक दिया गया, आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम यहीं बैठ जाते हैं। लोगों ने समझाया कि महाराज आप पीछे चले जाइए, बोले मैं आगे बढ़ने के लिए मुनि वेश धारण किया है, मैं पीछे कदम नहीं उठा सकता। और बोले आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि आपने हमारा रास्ता रोक लिया है। तब वह अंग्रेज जो शासन वहां प्रतिनिधि थे, शासन का प्रतिनिधि, वह स्वयं चल करके आया, आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए और देखते ही बोला कानून सामान्य मनुष्यों के लिए है, भगवान के दूतों के लिए कानून नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। आज हम जिस जिनवाणी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो किसकी देन है? वो हमारे दिगंबर मुनिराजों की देन है। तो अगर दिगंबर मुनिराजों का अवदान नहीं होता, आज जितने तीर्थ दिखाई दे रहे हैं उनके मूल में सब प्रतिमाओं पर देखो किनके उपदेश से प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, किन्हीं ना किन्हीं आचार्य का नाम उसमें अंकित है। तो आज तीर्थ हमारे अगर सुरक्षित तीर्थ हमारे पास हैं, तो वह दिगंबर मुनियों की देन है। अगर जैनत्व घर घर में पल रहा है, घर घर में पल रहा है आज भी।